इंडियन पेपर लीक की, ऐसा लगता है जैसे पेपर लीक की समस्या अब इस देश की राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ऐसी समस्या जिसमें लाखों युवाओं के भविष्य की बोली लगाई जाती है, ऐसी समस्या जिसमें बेच दिया जाता है सुनहरे भविष्य के ख्वाबों को, ऐसी समस्या जो दागदार दास्तानों की कड़ियां बनकर इश्तहार की तरह चिपकी है हिंदुस्तान के माथे पर। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख से ज्यादा बच्चे इंसाफ की आस में सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन जिन्हें इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है वो क्या कर रहे हैं? तमाम विवाद, विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद सरकार ने माना है कि हाँ, गलती तो हुई है, मगर अब तक गलती को सुधारने का जतन दिखाई नहीं दे रहा। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एनटीए की है उसने सिर्फ 1563 बच्चों की परीक्षा लेने की बात कही है। इन सबके बीच राजनीति का रंग काढ़ा है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, विपक्ष सरकार पर बच्चों के भविष्य से खेलने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी के लोग नीट धांधली में तेजस्वी का रोल बता रहे हैं। और तेजस्वी का कहना है कि अगर आरोप लगाने वालों के पास सबूत हैं तो गिरफ्तार कर लें। नीट पर बिहार में मची हलचल की सारी खबरें आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की। नीट के मुद्दे को कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया है। आज देश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, रांची, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जम्मू और हैदराबाद में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कल राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से मुलाकात भी की थी और आज प्रियंका गांधी ने नीट के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने सोशल साइट पर लिखा है, देश में पिछले 5 सालों में 43 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी के राज में पेपर लीक हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या बन गई है, जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। यानी कांग्रेस नीट के मुद्दे को बड़ा बनाने में जुटी हुई है। तभी तो यूपी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। तानाशाही है, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारे के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इसको प्रोटेस्ट किया और योगी मोदी की पुलिस हमें गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होती है तो मानना पड़ा या नहीं, माने या नहीं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में खामियां हैं, कोई भ्रष्टाचार है, पेपर लीक भी हुआ है, हम इसकी जांच करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी पता लगा भाजपा ने किसी चुनावी राज्य का प्रभारी बना दिया। चुनावी राज्य का प्रभारी हमारे शिक्षा मंत्री है और कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी बैठाकर जांच के लिए नोटिफाई करने वाले हैं। कब कमेटी बनेगी, कब नोटिफाई होगा? 30 लाख छात्र चाहता है कि आपने जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द करके दोबारा कराने की बात की है, वैसे नीट के 30 लाख छात्र उनके अभिभावक कल राहुल गांधी जी से घर पे मिले, उनकी मांग है कि ये भी एग्जाम रद्द होकर दोबारा से कराया। वैसे पेपर लीक का मामला बिहार में पूरी तरह से सियासी हो चुका है, जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच जंग छिड़ी हुई है। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में तेजस्वी के पीएस प्रीतम की भूमिका है। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव से प्रीतम को लेकर सवाल कर रही है। अब आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया। आरजेडी की ओर से पेपर लीक मामले के एक आरोपी अमित आनंद की तस्वीर जारी की गई है, जो कि बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दे रहा है। अब आरजेडी के नेता इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी के आरोपों के बाद सम्राट चौधरी की सफाई सामने आई है। सम्राट चौधरी का कहना है कि वो अमित आनंद को नहीं जानते, सामाजिक जीवन में बहुत से लोगों से वो मुलाकात करते रहते हैं। एक चीज समझ तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक चीज उसमें और है कि आरजेडी का कहना है कि वो सारे फोटो जो है आपके द्वारा सोशल मीडिया से हटा दी गई। उधर तेजस्वी यादव ने भी पीएस प्रीतम कुमार को लेकर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी का कहना है कि अगर सरकार को कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो वो प्रीतम को गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइको, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं?
इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग, क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। पेपर लीक मामले में बिहार से दो आरोपी निकले हैं जिसका सियासी कनेक्शन निकाला जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी के पीएस प्रीतम की, आखिर उन पर क्या आरोप लगे हैं। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार किया जो कि पीएस प्रीतम का रिश्तेदार है। बीजेपी का आरोप है कि सिकंदर के कहने पर प्रीतम ने पटना में गेस्ट हाउस बुक कराया था। इसी गेस्ट हाउस में गैंग से जुड़े लोग और अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिन पहले रुके हुए थे, जहां पर पूरी रात नीट के सवालों के जवाब अभ्यर्थियों को रटवाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि गेस्ट हाउस के अंदर ही पेपर लीक की पूरी तैयारी की गई थी। अब आज तक को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जल्द ही ईओयू प्रीतम से पूछताछ कर सकता है। आशा की टीम ने तेजस्वी के पीएस प्रीतम से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन प्रीतम का कोई पता नहीं चल सका। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बिहार की सियासत लगातार गर्म है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेरेबंदी कर दी है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन असल निशाना जो है वो तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पे है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बीच जो कनेक्शन है उसकी जांच ईओयू भी आगे बढ़ाने वाली है, और ईओयू से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रीतम कुमार से भी इस मामले में पूछताछ होगी। हमने प्रीतम कुमार से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल लगातार बंद आया। पटना में प्रीतम कुमार के कई फ्लैट बताए जाते हैं, हालांकि एक ठिकाना जहां इस वक्त हम मौजूद हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पटना का जो कश्यप ग्रीन होम्स है, इस सोसाइटी में भी प्रीतम कुमार का फ्लैट है। और जो जानकार बताते हैं और खास तौर से जो आरजेडी से जुड़े सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस सोसाइटी में ही प्रीतम कुमार एक तरह से दरबार लगाते रहे हैं, क्योंकि उनके रसूख को समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव लगातार जब 2015 में डिप्टी सीएम बने थे, तब से प्रीतम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनसे उनका पक्ष जानने की हमने हमेशा कोशिश की, लेकिन अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल हमने यहाँ भी आकर के जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और कोई जानकारी साझा करने में उन्होंने सहयोग नहीं किया। अब इस सियासत में दूसरा किरदार है अमित आनंद, जिसके सम्राट चौधरी के साथ तस्वीर को लेकर आरजेडी हमलावर है। आइए जरा समझा देते हैं आखिर अमित आनंद कौन है। अमित आनंद पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है। अमित ने सिकंदर को कहा था कि वो किसी भी तरह का पेपर लीक करा सकता है। अमित आनंद ने ही पेपर लीक करवाए थे जिनके पास छात्रों को सिकंदर लेकर गया था। अमित ने गेस्ट हाउस में छात्रों को पेपर और उसका जवाब रटवाया था। गेस्ट हाउस में अमित रात को छात्रों के साथ था। अमित आनंद के घर से नीट के जले पेपर मिले थे। आज तक की टीम अमित आनंद के घर पर भी पहुंची, वहां क्या मिला इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन माना जाता है अमित आनंद, वो एजी कॉलोनी पटना के इसी अपार्टमेंट के 202 नंबर फ्लैट में रहता था। और अभी फिलहाल देखिए यहाँ ताला बंद है, और पहली दफे आज तक की टीम यहाँ पहुंची इसके घर पे। और कई दिनों का ये अखबार ये बता रहा है कि जब से उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जांच का दायरा बढ़ा ईओयू का, तब से यहाँ कोई नहीं है, ताला यहाँ बंद है। 202 नंबर जो फ्लैट है वो है। और अमित आनंद ने अपने जो कबूलनामा एक वालिया बयान दिया है उसमें भी इसी पते का जिक्र है। और सबसे खास बात कि जब बिहार पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके बाद अमित आनंद के इसी ठिकाने पर ईओयू की टीम पहुंची थी। ईओयू की टीम ने यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए, जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के वो बरामद हुए, साथ ही साथ जो नीट का जला हुआ प्रश्न पत्र था वो भी इसी फ्लैट से बरामद किया गया, और साथ ही साथ जो दूसरे पोस्ट डेटेड चेक वो भी यहीं से। तो जो महत्वपूर्ण सबूत ईओयू की टीम को मिले वो यहीं से मिले। और फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ कोई भी नहीं है और ताला बंद है। अमित आनंद का परिवार यहाँ नहीं है, हालांकि पहले वो यहीं रहा करता था और यहीं से नीट पेपर लीक की पूरी साजिश पटकथा जो भी कहें वो रची गई। और बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है जहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता रहा, चूंकि ईओयू ने भी अपनी जांच में यहीं से तमाम दस्तावेजों को बरामद किया है। शशिभूषण, आज तक पटना। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, लगातार आज तक की नजर बनी हुई है।